नमस्कार, आप देखें राजधानी समाचार। बात की जाए मध्य प्रदेश के मालवांचल क्षेत्र की, जब मालवा की बात होती है तो राजगढ़ जिला एक चर्चित जिला है और राजगढ़ जिले की राजगढ़ी विधानसभा है और तमाम राजगढ़ लोकसभा सीट भी है। उस लोकसभा सीट में दीदी खड़ी हुई मोना सुस्तानी जी हमारे साथ हैं। एक पहचान है, एक बड़ा नाम है क्षेत्र में, राजगढ़ लोकसभा में कांग्रेस पार्टी ने उतारा था, उसको लेकर अब बात करेंगे अपन। 2023 का जो विधानसभा चुनाव है उस पर भी रणनीति क्या बन रही है राजगढ़ जिले में, और राजगढ़ जिले की तमाम जो विधानसभा सीटें उस पर भी हम लोग जानकारी लेंगे। सबसे बड़ा सवाल तो ये, लंबे अरसे तक आप कांग्रेस पार्टी में रहीं, कांग्रेस पार्टी का में आपने काम भी किया और आपको लोकसभा चुनाव में टिकट भी दी कांग्रेस पार्टी ने, ऐसे क्या कारण रह जाते, क्या स्थिति बन जाती जो आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ी? 30 साल से तो मैं कांग्रेस पार्टी में काम कर रही और ये मेरी तीसरी पीढ़ी है। मेरे ससुर साहब भी विधायक रह गए, जनपद जिला पंचायत अपेक्स बैंक में डायरेक्टर, एमपी एग्रो के चेयरमैन, लगातार कई पदों पर उन्होंने काम किया, मेरे दादाजी ने भी किया, तो ये तीसरी पीढ़ी है। आप सोच सकते हैं कि अगर तीसरी पीढ़ी में आके और इतना साल काम करने के बाद में अगर मेरा मन कितना दुखी हुआ होगा जब मैंने ये निर्णय लिया। सबसे बड़ी परेशानी की बात तो ये है कि यहाँ पे संगठन नहीं है, यूनिटी नहीं है। जब तक संगठन नहीं हो तब तक आदमी काम कैसे करे। और मैं ईमानदारी से कह रही हूँ, कई पदयात्राएँ, धरने, आंदोलन, बड़े दिल से और आत्मा से मैंने काम किया, मतलब पार्टी को जैसा उनका कार्यकर्ता होना चाहिए उससे भी कहीं ज़्यादा मैंने आगे रह के काम किया। आपको पता होगा नात्रा झगड़ा एक बहुत ही बुरी कुप्रथा है राजगढ़ जिले में नहीं अपितु अपने चित्तौड़गढ़, मतलब राजस्थान, मंदसौर, बीनागंज, चाचौड़ा, जगह जगह फैली हुई कुप्रथा है। उसके लिए बिल्कुल जान हथेली पे लेके मैं फाइट कर रही हूँ। उसके लिए हमने लाल चुनर संगठन बनाया है जिसमें सैकड़ों हजारों महिलाएं जुड़ी हुई हैं, और जैसे ही हमको पता पड़ता है कि इस जगह पे इस लड़की के साथ में गलत हो रहा है, वो आप कह सकते हो कि बेटियों के लिए तो बिल्कुल मानव तस्करी जैसा काम है, उसमें एकदम हम कूद पड़ते हैं। फिर जब हम इतनी मेहनत करते तो हमें ये लगता है उस बेटी के साथ न्याय तो होना चाहिए, उसकी कुछ सुनवाई तो होनी चाहिए। और अकेली मैं हूँ तो मेरे नेता लोग, अगर मैं एक गलत चीज़ के लिए मैं लड़ रही हूँ तो मेरे नेता लोगों को मेरे साथ में होना तो चाहिए सब लोगों को। खैर, मैं अकेली फाइट कर सकती हूँ और कर रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं। एक तो मैं न्याय नहीं दिला पा रही, और दूसरी जो एक बात है, मैंने ये देखा है कि यहाँ पर जो युवा है, युवाओं के लिए, युवाओं का जो नेतृत्व है उसको संभाला नहीं जा रहा। जो काम करने वाला व्यक्ति है उसकी वैल्यूज होनी चाहिए, उसकी आप कदर तो करो कम से कम, उसका साथ तो दो। देखा जाए कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ने इस साल भारत जोड़ो यात्रा भी निकाली, बड़ा बदलाव भी हुआ कांग्रेस में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। कांग्रेस तो कहते कि हम बहुत चेंज हो रहे हैं और तमाम वो उपाय कर रहे हैं, इसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाए। सवाल ये है कि ये सारी चीज़ें ऊपर चल रही हैं लेकिन जो नीचे जो कार्यकर्ता हैं, जो युवा हैं, उनको जो संभालना चाहिए, उनको जो होना चाहिए कि मैं हूँ आपके साथ में, वो चीज़ नहीं है। नीचे का नेटवर्क बिल्कुल समाप्त होता जा रहा है, युवा अलग होता जा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा दर्द है यूथ का, युवाओं का। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, मैं तो बात आती है जब भारत माता की, तो अपने आप का अंदर से संभाल नहीं पाती, मुझे लगता है उस टाइम पे मुझे कूद जाना चाहिए, क्योंकि जब हमारे भारत की बात आती है तो फिर मुझे कुछ किसी भी हाल में लगता है कि मेरा भी दायित्व बनता है, अगर मैंने भारत में जन्म लिया है तो मैं उन चीज़ों से अलग कैसे हो सकती हूँ। और बिल्कुल संस्कारों की बात आए तो उसके लिए भी अब मुझे ऐसा लग रहा है मैं इतनी फ्री हो गई हूँ कि मुझे जो काम करने की जगह थी, वो स्पेस था जो मेरे अंदर था कि मैं काम करूँ, वो मेरे को जगह मिल गई। और बिल्कुल भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उन लोग के साथ भी मिलके मैं काम करती थी, तो सभी बहन भाइयों जैसे काम करते थे, तो अब मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा है कि मैं कुछ अलग हूँ या वो मेरे को स्वीकार नहीं कर पा रहे, क्योंकि काम करने वाला व्यक्ति जो रहता है उसके साथ में सभी लोग रहते हैं, तो आज मैं तो बहुत खुश हूँ।
राजगढ़ जिले में आपका एक बड़ा नाम है महिला नेत्री के तौर पर, समाज सेवी के तौर पर देखा जाए राजगढ़ में कोई महिला नेतृत्व के लिए बड़ा नेता नहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए, आप कैसे देखती हैं, कैसे महिलाओं के लिए काम करेंगे, क्या महिलाओं की कोई जिम्मेदारी मिलती है आपको पार्टी की ओर से, कैसे देखती? देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब काम करना है मैं स्पेशल, क्योंकि महिलाएं कमज़ोर हैं, एक हमारा कहना चाहिए जो आधी आबादी है वो कमज़ोर तबका है, मैं उनके लिए काम कर रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी के लिए काम नहीं कर रही, मैं सभी के लिए काम करूँगी स्पेशल, खास करके चूँकि महिलाएँ बहुत परेशान हैं, उनको ज़रूरत है। और रही नेतृत्व की बात, तो भाजपा में भी बहुत अच्छी महिलाएँ हैं, काम करने वाली महिलाएँ हैं। देखो मैं यहाँ पर मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि मैं नर्सरी क्लास की स्टूडेंट हूँ, मुझे बहुत कुछ सीखना है, तो मैं बिल्कुल सीखूंगी और कंधे से कंधा मिला के अपने साथियों के साथ काम करूंगी, और किसी को भी मतलब ऐसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं तो उनके साथ काम करने के लिए आई हूं, कि मैं किसी पद की बहुत बड़ी चाह में आई तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पार्टी का जो निर्देश रहेगा, मेरे काम का जो वो आकलन करेगी, वो पार्टी के जो भी आदेश रहेगा मेरे सर आँखों पर। देखा जाए तो राजगढ़ जो विधानसभा है वहाँ पर वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं, 2018 का चुनाव हुआ, भाजपा वहाँ से नहीं जीत पाई, आप लंबे अरसे से कांग्रेस में नहीं, भाजपा में कोई ऐसा प्रत्याशी भी नहीं है भाजपा के पास, पार्टी गए 2023 में कुछ रणनीति बनाए, मोना सुस्तानी को अगर विधानसभा राजगढ़ से टिकट देती है, मैं ऐसा पूछ रहा हूँ सवाल, तो क्या स्थिति बनी, कैसे देखती चुनाव आप? देखो अभी तो सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी क्या निर्णय करे, लेकिन मेरी अभी बिल्कुल इच्छा नहीं है, मेरा सोचना है कि अभी मैं काम करूं, मैं काम करके दिखाऊं, पहले मैं जिस चीज़ के लिए आई हूं उनको न्याय तो दिला सकूं। भाई मैं आई किस लिए हूँ, मैं इसीलिए तो आई हूँ कि जनसेवा करूँ, और जनसेवा में जो अपने लोग परेशान हो रहे हैं उनको न्याय दिला के मैं सामने तो ला सकूँ, उनके साथ तो अच्छा हो। आगे पार्टी जो निर्णय करेगी, और आप ऐसा सोच रहे हैं कि भाजपा के लिए वहाँ पे कैंडिडेट नहीं है, तो ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे उम्मीदवार हैं जो पार्टी का दिशा निर्देश रहेगा। प्रत्याशी के तौर में कोई नहीं है, मैंने भी राजगढ़ पूरा गया, एक भी नेता नहीं राजगढ़, आप भी जानती हूँ, वो मैं आपको बोल रही हूँ कि जो आदेश रहेगा पार्टी का, पर अभी मेरा मन तो ये है कि मैं काम करूँ। दिग्विजय सिंह के साथ आपने लंबे अरसे तक काम किया, राजगढ़ जिले में प्रत्याशी बनाया लोकसभा का, इस बार जब उनसे दूर रह के नई पार्टी ज्वाइन कर ली, एक बड़ा अनुभव ही उनको राजनीति का, कैसे आप ये पल्स देखती हैं, कैसे नहीं, उन्होंने मेरे को टिकट दिया, आगे बढ़ाया, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उनकी भी अपनी सीमाएं हैं, उनके भी अपने दायरे हैं, तो अब मैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं पार्टी में जो चाह के भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैं सोचती कि मेरा जीवन कितना है, 10-15 साल और इतनी एनर्जी के साथ मैं काम कर पाऊँगी, तो मैं इतना वेट क्यों करूँ, मैं काम जब मुझे जनसेवा ही करनी है, और मेरे को बहुत सारे अपने साथी लोग मिल रहे, भाई लोग मिल रहे, बहनें मिल रही काम करने के लिए, क्या आप खड़े हो, हम पीछे हैं, तो फिर मंजिल तो मेरी वही है ना कि मुझे सेवा करनी, रास्ता बदल गया, इतनी सी बात है। एक सवाल उठता है बड़ा कि 2019 में चुनाव हुए, 19 के बाद ये चुनावी साल है 2023 की विधानसभा, इसी साल आपने पार्टी क्यों ज्वाइन की, एक बड़ा सवाल है जनता का। नहीं ये क्या है, ये 6-8 महीने से चल रहा था, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं पा रही थी, परेशान थी मैं कि मेरे को कुछ निर्णय तो लेना ही था, तो ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आज ही हुआ, कई दिनों से ये कश्मकश में मैं चल रही थी, तो डिसीजन तो मुझे लेना ही था, क्योंकि काम करने में एक मेरे जैसे तो बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, उधर कार्यकर्ता हैं, यहाँ पे भी कार्यकर्ता हैं, लेकिन जो मेरा मिशन है कि न्याय मिल सके महिलाओं के लिए, युवाओं के साथ खड़ी हो सकूं, उनसे काम लूं, उनको संस्कार संस्कृति ये सब बातें समझा पाऊं, तो उसके लिए मुझे जब मौका मिला तो मैंने अपना बदलाव किया। क्या बात हुई राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से, आपने उनके नेतृत्व में पार्टी ज्वाइन की, कुछ नई गाइडलाइन बताई पार्टी के बारे में जानकारी? देखिए ये बहुत मैं समझती हूँ कि गौरव की बात है कि आप सोचिए कि नीचे जो पोलिंग बूथ पे काम करता कार्यकर्ता, वो सबसे छोटा कार्यकर्ता होता है, वो बेचारा इतना मेहनत करता है, इतनी लड़ाई लड़ता, लेकिन उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता है। बहुत बड़ी बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सिर्फ उनको साधुवाद देने के लिए भोपाल आए, उनकी मीटिंग करके, और मेरे लिए बहुत किस्मत की बात है कि उन्होंने जो मेरा मूल्यांकन करा और मुझे ज्वाइनिंग दी,
तो स्वाभाविक बात है कि मुझे देश के लिए काम करना है, विकास के साथ चलना है, मोदी जी की जो नीतियां हैं उनके साथ चलना है, आदरणीय सीएम साहब की जो अभी लाडली बहन योजना है, तो मैं कोशिश करूंगी कि वो नीचे तक जो मेरी बहन है परेशान है वहां तक उनको योजनाओं का लाभ मिल सके। क्या नीति व क्या रीति देखकर आप भारतीय जनता पार्टी में आई? सबसे बड़ी बात है कि विकास योजनाएं, अब अगर हम बोले योजनाएं तो योजनाएं बहुत पावरफुल है, लेकिन परेशानी ये कि वो नीचे के लेवल तक पहुंच नहीं पाती। तो हम सब कार्यकर्ताओं का एक फर्ज बनता है कि उन योजनाओं का अपने लोगों को लाभ मिल सके। और सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बता ही रही हूँ कि जो है वो मेरे अंदर भी वही भारत माँ बैठी हुई है, और वो जो जब जागृत हुई तो मुझे आज मैं बहुत अपने आप को फ्री महसूस कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे माँ ने मुझे गोद में बैठा लिया, एकदम निर्भीक हूँ, कहीं कोई रोक टोक नहीं है। मुझे जो काम करना है राष्ट्रीयता के लिए, राष्ट्रवाद के लिए, मैं करूँगी। तमाम वो मुद्दे थे, पार्टी को लेकर भी चर्चा हुई है 2023 की जो विधानसभा चुनाव, ने साफ कहा है अगर पार्टी कहीं से जिम्मेदारी देगी तो बात अलग है, नहीं तो महिलाओं बहन बेटियों के लिए काम करना है। राजगढ़ जिले में बड़ा चेहरा है, लोकसभा प्रत्याशी भी रही है 2023 में, क्या रणनीति बनती है, क्या जिम्मेदारी बनती है, बहुत महत्वपूर्ण बात रही। जुड़े हमारे साथ राजधानी समाचार की रिपोर्ट भोपाल।